फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट अस सी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मींस हाउ वी ऐड, हाउ वी सब्ट्रैक्ट, हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, हाउ वी मल्टीप्लाई ए नंबर एंड ए मैट्रिक्स लाइक दिस। So this is second topic of matrix. Let us see one by one. First operation is addition of two matrices. Addition is defined as addition of corresponding elements. Let A is a matrix, AI is a m by n, B equal to BI is a m by n. These are the two matrices of same order. Here order of two matrices must be same, otherwise we cannot define addition. So their addition is defined as A plus B equal to Cij, where Cij equal to Aij plus Bij. We can say that addition of two matrices of same order is the addition of corresponding elements. For example, let A equal to 2, 3, 4, 5 and B is another matrix 5, 3, 8, 4. So A plus B is 2 plus 5, 7, 3 plus 3, 6, 5 plus 8, 13, and 4 plus 4, 8. यहाँ पे नोट यही करना है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग प्लेसेस को ऐड करना है, रैंडमली किसी को किसी के साथ ऐड नहीं करना है। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स, वी सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। Subtraction is opposite operation of addition, so there is no need of separate definition. Second is multiplication of a matrix by a scalar constant. Let A is a matrix, A I is a m by n, and K is a scalar. K is a scalar 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 5, इस टाइप का कोई चीज है और एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मीन्स K A I J मीन्स वे मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाई के। फॉर एग्जाम्पल, लेट A इक्वल टू 3, 5, minus 2, 4. Then 2A equal to 2 into 3, 6. 2 into 5, 10. 2 into minus 2, minus 4. And 2 into 4, 8. So, यहाँ पे एक चीज नोट करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज नोट करना है। If we take common, some constant may be taken as common, then we have to take common from each and every entry. Problem banane mein isi ka use hoga. Suppose 6, 10, minus 4, 8 matrix hai, to 2 common lekar ke hum aisa bana sakte hain. 3, 5, 3, 5, minus 2, 4 bana sakte hain. Problem banane mein isi ka use hoga. Third operation dekhte hain. मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है, प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रोडक्ट समझ में आ गया तो मैट्रिक्स का आधा काम हो गया। मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ये डिफाइंड इन दिस वे। लेट A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड B इज अनदर मैट्रिक्स बी जे के एन बाई पी।
यहाँ पे नोट करने लायक चीज ये है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो हमने इक्वल लिया है, n और यहाँ भी n दोनों इक्वल लिया है, ये कंपलसरी कंडीशन है। सो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ बी, देन प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन दिस वे ए बी इक्वल टू सपोज सी आई के, यहां भी एक नोट करना है सी आई के लिया मीन्स ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स एम बाई पी, वेयर सी आई के इज समेशन ओवर जे इक्वल टू वन टू एन ए आई जे इंटू बी जे के। इसको एक्सपेंड करो तो ये है क्या आईएथ रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का आईएथ रो और सेकेंड का केथ कॉलम, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन का सम है, यही मेन आपको समझना है बच्चों। तो एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल। लेट ए इज मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स एंड बी इज 3x2 मैट्रिक्स, देन ए बी इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लेंगे, सो 2 इंटू 1 3 इंटू 3 मीन्स वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड वी ऐड, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एंड वी ऐड, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली स्टार्ट करो सेकेंड रो से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम। एक चीज नोट करना है कि पहले मैट्रिक्स का रो लेते और सेकेंड का कॉलम लेते, इसका फर्स्ट रो लिया इसका फर्स्ट कॉलम लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया फिर ऐड कर दिया। दिस इज द वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, इसी को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड हेयर, बी ए इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस, बी ए मीन्स पहले बी लेंगे बाद में ए लेंगे, देन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी 3 एंड रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स विल बी 2, सो बी ए इज नॉट डिफाइंड हेयर। दिस मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, पर्टिकुलर केस में हो सकता है बट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, एडिशन, उसी के साथ सब्ट्रैक्शन हम लोग देख लिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड डायरेक्टली, वी विल सी लेटर ऑन। सो लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट नंबर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑल्सो, मीन्स ए प्लस बी बी प्लस ए ये दोनों इक्वल होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ये नंबर जैसा है, फ्रेंड से नंबर जैसा है, एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव भी होगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, के इंटू ए प्लस बी
into a plus b, maybe a minus b, equal to ka plus minus kb. So no need of proving these things. इसको सपोज कर लो ऐसा होता है, सिंपल वे में इसको प्रूफ किया जा सकता है. देन थर्ड इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव. थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है. इन पर्टिकुलर केस इट मे बी इक्वल, बट इन जनरल इक्वल नहीं होता है. इसको बाद में हम लोग अलग से भी देखेंगे. देन फोर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव होता है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, बट वन कंडीशन इज हियर, ए बी मस्ट बी डिफाइन, बी सी मस्ट बी डिफाइन, एंड फाइनली ए बी इंटू सी शुड बी डिफाइन. हियर ए इंटू बी सी, बी सी इज ए सिंगल मैट्रिक्स, सो दिस वन इज डिफाइंड, अदरवाइज दिस टू आर नॉट इक्वल. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है ए इंटू बी प्लस सी, मे बी माइनस सी ऑल्सो, इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए सी, बट कंडीशन इज हेयर ए बी मस्ट बी डिफाइंड, ए सी मस्ट बी डिफाइंड, एंड ए इंटू बी प्लस सी मस्ट बी डिफाइंड, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा. बी प्लस सी डिफाइन होना चाहिए. प्लस के लिए एडिशन के लिए क्या रूल है हम लोगों ने पहले देखा है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. देन नेक्स्ट, जीरो के बारे में सोचो. नंबर में जीरो को एडिटिव इन एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. टू प्लस जीरो, जीरो प्लस टू इक्वल टू टू, सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नंबर. इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो जीरो मैट्रिक्स विल एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर एडिशन. सो ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू ए, ये ट्रू होता है. सिमिलरली यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो सेम एज नंबर. टू इंटू वन इक्वल टू वन इंटू टू इक्वल टू टू, सो वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सम नोट्स आर इम्पोर्टेंट हेयर. लेट अस सी. डिविजन इज नॉट डिफाइंड डायरेक्टली इन केस ऑफ मैट्रिसेस. वी मे डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लाइक दिस, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए. एट द सेम टाइम ए इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी, एंड इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए माइनस वन. हेयर माइनस वन, माइनस वन इज नॉट पावर, इट डजेंट मीन वन बाई ए, इट इज नोटेशन फॉर इनवर्स मैट्रिक्स. सो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई. देन सेकेंड नोट इज, मैं पहले बता चुका इसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड इन जनरल. सपोज ए बी एंड बी ए, ए बी बी डिफाइन ए बी, बी ए मे नॉट बी डिफाइन, पहले हम लोगों ने देखा था ऊपर में. सो इक्वल होने का सवाल नहीं उठता है. मान लो ए बी एंड बी ए डिफाइंड है, बट उसका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, ऑर्डर मे नॉट बी इक्वल, सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट ए बी इक्वल टू बी ए. इन थर्ड केस सपोज ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड, बोथ आर डिफाइंड एंड देयर ऑर्डर्स आर ऑल्सो इक्वल, देन ऑल्सो ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए. फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू दिस वन, बी इक्वल टू दिस वन, एंड ए बी मल्टीप्लाई ए बी रिजल्ट इज दिस वन, एंड ए बी मल्टीप्लाई बी ए रिजल्ट इज डिफरेंट. सो
with the help of this example, we can say that AB is not equal to BA. So, friends, this is the concept of properties of operation on matrices and operation on matrices also. How we add, how we subtract, how we multiply. Division hum log baad mein dekhenge as a inverse. We will find out inverse of a matrix. This means indirectly we define division. और वो हमारा अगला क्लास होगा. आज यहीं तक. थैंक यू.